इतनी एजेंसी वहाँ पे है, हमारे पास राह है, हमारे पास बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जो अनपढ़ है इंडस्ट्री लेवल पे, तो दे शुड कम आउट ऑफ इट कि क्या है एग्जैक्टली, कौन है ये लोग, तो ये समस्या तो है ही। और हमारे जो वहाँ बच्चे हैं जो भी हैं, हम कोऑर्डिनेटेड हैं जो भी वहाँ पे है, मतलब मेरे अभी उससे 10-20 लोग ऐसे हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं, क्लोज रिलेशन है। अभी वो मैंने उनका वीडियो देखा, अभी वो एक जम्मू में आए हैं, वो आज ही के दिन वो पहुँचे हैं जम्मू, तो उससे इंटरव्यू लिया था आपकी तरह से, तो उसका जो डिमांड था बोला, उसने बोला कि मैं तो कल जाऊंगा, बट मुझे इक्विप करो आप गन से, मैं नहीं जाऊंगा विदाउट गन, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है मैं गन रखूंगा अपने साथ, क्योंकि मैं अगर 3 ईयर सिक्योरिटी बोला उसने, मेरे जहां पे रहता हूं मैं वहां पे है, लेकिन जब ऑफिस जाता हूं मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं ऑफिस बैठूंगा फाइल देखूंगा कि मैं किलिंग की वजह से दोबारा वही माहौल जैसा हो रहा है जैसे हम 90 में जैसे माहौल हुआ था, तो गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ को रोका जाए और जो हमारे बच्चे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनकी सुरक्षा दी जाए और उनके साथ जो एक बॉन्ड है जो जिस तहत उनको वहाँ पे जॉब दिए गए वो एक ऐसा बॉन्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड है नहीं, वो एक ना उनको बांध के रखा, उस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए ताकि उनको इक्वल राइट से जाए एट पार विद द अदर जो एम्प्लॉयज है वहाँ पे। तो इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं उनके समर्थन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो हमारे बच्चे वहाँ पे। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, और दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर कश्मीरी पंडित जो हैं जिनके साथ कश्मीर में लगातार बर्बरता हो रही है, लगातार वो पलायन की ओर जा रहे हैं, और लगातार यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित आए हुए हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर धरना और प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी कुछ लोग हैं जो उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? पंडित नाम है अशोक पंडित। कहाँ से आए हैं पहले तो सबसे पहले ये? मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ हंदवाड़ा से, यहाँ अभी आ रहा हूँ नोएडा से। मैं 99 से मैं माइग्रेट हुआ हूँ जम्मू, देन टू नोएडा, अभी यहाँ पे हूँ मैं। हाँ, और बता, क्या कुछ हो रहा है कश्मीर में? जिस तरीके से अभी लगातार पलायन है, लोगों के साथ बर्बरता हो रही है, लगातार लोग वहाँ पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, तो क्या कुछ तस्वीरें सामने इस तरीके से जो आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है अगर आप जानते हैं? नहीं, लगातार बहुत समय से 18 दिन से लगभग अब ये हो रहा है कि टारगेट किलिंग हो रही है, उसकी वजह से जो वहाँ पे एम्प्लॉई थे तो डेफिनेटली वो सहम गए। अब 21 साल का बच्चा मारा जाता है बैंक ऑफिस में, डेफिनेटली ये तो बाकी तो ये शिवरिंग देगा ही देगा। और जो वो वहाँ पे लोग गए हैं वहाँ एज एम्प्लॉई, वो तो कमाने के लिए गए ना, उनकी फैमिली होगी, उनका बहुत सारे प्रेशर्स होंगे। आई हैड सन, मैं उसने बोला था कि मतलब ही इज़ इंजीनियर, तो मैंने बोला उसको बरो आप जा सकते हो कश्मीर, उसी ही डिनाइड, मैंने कहा डोंट गो, इट्स ए ट्रैप। तो ये हमको लग रहा है कि ट्रैप है ये, सो दे आर ट्रैप्ड देयर। तो टारगेट किलिंग अब वहाँ की जो टेरिज्म का अब मोड अपना बदल गया, मतलब अब वो जो इसको बोलते हैं हाइब्रिड टेरिज्म, जो इसको टर्म दिया गया है, मतलब किसी आदमी को 20,000 रुपये दे दो, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और किसी को वो बोलेंगे इसको मार के आ जाओ तो उसको मार देते हैं। वो रडार में नहीं है, जो वहाँ पे सीक्रेट एजेंसी है उनके रडार में नहीं है, इसलिए वो चूक हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतना मैकेनिज्म है, उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको उसको इस मॉडिफाइड जो टेररिज्म का है उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इतनी एजेंसी वहाँ पे है, हमारे पास राह है, हमारे पास बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जो अनपढ़ है इंडस्ट्री लेवल पर, तो दे शुड कम आउट ऑफ इट कि क्या है एग्जैक्टली, कौन है ये लोग, तो ये समस्या तो है ही। और हमारे जो वहाँ बच्चे हैं जो भी हैं, हम कोऑर्डिनेटेड हैं, कोई दोस्त का भाई है, कोई भाभी के ससुराल की तरफ से कोई है, मतलब वी आर कनेक्टेड जो भी वहाँ पे है, मतलब मेरे अभी उससे 10-20 लोग ऐसे हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं, क्लोज रिलेशन है। अभी वो मैंने उनका वीडियो देखा, अभी वो एक जम्मू में आए हैं, वो आज ही के दिन वो पहुँचे हैं जम्मू, तो उससे इंटरव्यू लिया था आपकी तरह से, तो उसका जो डिमांड था बोला, उसने बोला कि मैं तो कल जाऊँगा, बट मुझे इक्विप करो आप गन से, मैं नहीं जाऊँगा विदाउट गन, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है मैं गन रखूँगा अपने साथ, क्योंकि मैं अगर 3 ईयर सिक्योरिटी बोला उसने, मेरे जहाँ पे रहता हूँ मैं वहाँ पे है, लेकिन जब ऑफिस जाता हूँ मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं ऑफिस बैठूंगा फाइल देखूंगा कि मैं सिक्योरिटी देखूंगा, सो मुझे गन दो, आई वॉन्ट होल्ड ए गन सो दैट, क्योंकि आप तो रहा नहीं, क्योंकि वी बिलीव इन द पेन, हमारा जो पावर रहा है अभी तक कश्मीर उसका, हमने डिफीट दिया है टेरिज्म को इंटरनेशनल लेवल फॉरम पर, चाहे जिनेवा हो या इंटरनेशनल लेवल पर, कोई भी फॉरम पर हमने पेन के लेवल पर उनको डिफीट दी है टेरिज्म को, हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो है ये टूरिज्म जो है इंडिया को खा जाएगा।
तो लेकिन अब वो बात नहीं रही, अब वहाँ पे एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको मार रहे हैं आप टारगेट किलिंग, और विदाउट मतलब कहीं भी किसी भी समय आप पूछते हो वहाँ पे। तो अब वो बोल रहा था, जो मेरे पास वो वीडियो इसमें है, मोबाइल में भी है, तो वो बोलता है कि मैं तो पेन छोड़ दूंगा, आप गिव मी ए गन, और कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए ट्रिगर दबाना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ये जस्ट बुलेट को डालना है और ट्रिगर दबाना है, शूट करना है। तो इस तरह की डिमांड अब होने लगी है। अगर गोट ऑफ इंडिया चाहती है ऐसा ही हो तो उसमें कोई इशू नहीं है फिर तो, अदरवाइज़ मतलब हम लोग जो है चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पास इतना पावर है, वहाँ पे मैकेनिज्म पूरा अच्छा है, तो वो इस चीज़ को डील करें, कर भी सकती है प्रॉपरली, और बहुत बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये सब करना, दैट्स व्हाट वी वांट। अच्छा, जिस तरीके से वहाँ पर बताया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरीके से हो रहा है, क्या सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है या मुस्लिम भाई लोग जो है उनके साथ भी हो रहा है? थोड़ा और बड़े इस पे कैनवास पे ले लूँगा, जो भी वहाँ प्रो इंडियन एलिमेंट है उसको दे आर बीइंग एलिमिनेटेड, कोई भी प्रो इंडियन एलिमेंट जो हैं या जो ऐसा एलिमेंट जो वहाँ उनकी विश से बाहर काम करते हैं, जैसे अभी टीवी आर्टिस्ट मारी गई, तो जो वहाँ के जो टेररिज्म जो है दैट इज़ गवर्नड बाय जहाद, तो उनके हिसाब से वो मतलब दैट इज़ नॉट अलाउड इन द इस्लाम, इस्लाम में अब यू कॉन्ट बी ए स्टार, यू कॉन्ट बी एन आर्टिस्ट, तो उसको एलिमेंट कर दिया। तो वो जो प्रो इंडियन एलिमेंट जो या उनके कनवास से बाहर हैं उनको मार देते हैं। मेरा फ्रेंड एक है, क्लासमेट है, वो हंदवाड़ा में बिलोंग करता है और वो पोलिटिकल एक्टिविस्ट है। वो जब मैं ऐसे मिलने गया था अभी लास्ट ईयर सितंबर में, वो जब घर से बाहर निकलता है 3 गार्ड उसके पास रहते हैं साथ में, वो वहाँ का लोकल है, तो इसलिए रहता है ना, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिलीव करता है, सो ही टू इज़ अ टारगेट, सो ही इज़ वन ऑफ देम। तो इस तरह से भी इस तरह के भी लोग हैं वहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ के हिंदू ऑनली, आई विल से दैट ऑल प्रो इंडियन एलिमेंट्स जो वहाँ पर हैं वो टारगेटेड हैं दिस आर दैट वे। और इस समय लेकिन जो 18 दिन में ये होगा, अभी यहाँ पे जो इन्होंने पहला किल किया कश्मीर पंडित का, उनको दैट वाज बाय चांस, दैट्स माय ऑब्जर्वेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, लेकिन वो किल कर गया कि इससे क्या है, एक न्यूसेंस वैल्यू बन गया, और अब ये जो है कंटिन्यू हो जाएगा, और वो प्रूव भी हुआ अभी कि फिर 2-4 दिन में इतनी सारी किलिंग्स हो गई तो वो क्लिक हो गया, दैट्स इट व्हाट इज इट। और भी लोगों से हम बात करते, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप कृष्ण रैना है, मैं जम्मू कश्मीर विचार मंच से बिलोंग करता हूँ। जम्मू कश्मीर से ही आप बिलोंग करते हैं? बिल्कुल, हम जम्मू के अनंतनाग के रहने वाले हैं। तो आप तो वहाँ की तस्वीरें अच्छे तरीके से बयां कर सकते हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहाँ पर? टारगेट किलिंग जो बोला जा रहा है कि टारगेट किलिंग हो रहा है, तो वो किन लोगों के साथ टारगेट किलिंग हो रहा है? देखो, टारगेट किलिंग बोला नहीं जा रहा है, बल्कि टारगेट किलिंग जो है वो हो रही है, सिलेक्टेड किलिंग्स हो रहे हैं। इसमें कुछ नॉन जो कश्मीरी हैं वो भी हो रहे हैं, मतलब जो हिंदू वहाँ पे है, और इसका मेन कारण है जो वहाँ पे जो टेररिज्म है, जो जादी जो सिस्टम चल रहा है उनका, कि वो किसी नान उसको मुस्लिम को फिर वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, और सिलेक्टेड किलिंग्स है, और इस सिलेक्ट किलिंग की वजह से दोबारा वही माहौल जैसा हो रहा है जैसे हम 90 में जैसे माहौल हुआ था। तो गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ को रोका जाए, और जो हमारे बच्चे वहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनकी सुरक्षा दी जाए, और उनके साथ जो एक बॉन्ड है, जो जिस तहत उनको वहाँ पर जॉब दिए गए, वो एक ऐसा बॉन्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड है नहीं, वो एक ना उनको बांध के रखा, उस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए ताकि उनको इक्वल राइट से जाए एट पार विद अदर जो एम्प्लॉयज है वहाँ पे। तो इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं, उनके समर्थन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जो हमारे बच्चे वहाँ पे। सर अभी आपने कहा कि सिलेक्टिव जो है किलिंग हो रही है, तो मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ किस तरीके से सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, किन लोगों को सिलेक्ट करके किया जा रहा है? मतलब सिर्फ कश्मीरी पंडित हैं, हिंदू हैं, या फिर मुस्लिम्स भाई लोग भी हैं वहाँ? देखो जी, सिलेक्टिव किलिंग इसलिए है कि वहाँ के जो कुछ लोग हैं, जो इकोसिस्टम है, वो मिलिटेंट्स से मिला हुआ, तभी जाके सिलेक्ट किलिंग हुए। अगर आप अभी राहुल भट्ट जो है, या अभी जो टीचर भी मारा गया, वो बालक को मारा गया, कैसे मारा गया? उस कमरे में जाके बंदा वहीं जाके उसको गोली मार रहा है, तो ये सिलेक्टेड किलिंग्स नहीं है। वहाँ इतना बड़ा स्टाफ था वहाँ पे, ये पूछ के गया कि फलाने राहुल भट्ट कहाँ पे है, तो इस सिलेक्शन के लिए उनको कोई प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, और सरकार को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं पहले उनको पकड़ना चाहिए। कल एक बैंक एम्प्लॉय मारा गया जो राजस्थान से था, और कैसे गया वो बंदा बंदूक लेके अंदर? जो सिक्योरिटी गार्ड था बैंक पर, उसकी चेकिंग क्यों नहीं? इसका मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो बाकी बंदे थे, जो जिनसे वो पूछ रहा है कि ये जो वो मारे गए राजस्थान के, वो कहाँ पे है,
तो ये इकोसिस्टम ऐसा है जो उनके साथ मिला हुआ है, उसकी वजह से वो सिलेक्ट इनकी लिंक्स कर रहे हैं। और इस इकोसिस्टम को सरकार ने ध्वस्त करना, और उसके ध्वस्त करने के बगैर कोई चारा नहीं है, तब जाके वहाँ पे, और सरकारी कर सकती है, सरकार को सब कुछ पता है। आपको पता है 370 जब हट गया तो सरकार ने कैसे नट कस के रखे थे और एक पत्थर भी नहीं चला था कहीं पे। तो उसी एक्शन में सरकार को दोबारा आना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को टाइट करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात जो इनका सपोर्ट करते हैं, जो समर्थन है, पहले उनको काटना है, तब जाके सिस्टम ठीक हो जाएगा। 370 के तहत अब जो 35A है सेक्शन के तहत, अब जो वहाँ पे सरकार का वर्चस्व है, सरकार वहाँ पे अब जो है लगातार वहाँ की बात करती है, कश्मीर भाई पंडितों की बात करती है, कश्मीरी भाइयों की बात करती है, लेकिन जब अभी इस तरीके की वहाँ पे दयनीय स्थिति है, वहाँ पे लोगों के साथ टारगेट किलिंग हो रही है, तो क्या सरकार सामने आ रही है? वहाँ पे आए हैं कुछ लोग, क्या बात करने आए नेता? देखिए जी, सरकार जो बचे भी इतने दिनों से वहाँ पर प्रेजेंट में, सरकार बात नहीं कर रही है। सरकार बात करती तो प्रेजेंट हट जाता, उनकी डिमांडें मान ली जाती, सरकार नहीं आती। दूसरी बात, 32 साल से कश्मीरी पंडित के साथ कुछ नहीं हुआ, ये जंतर मंतर हमारा घर ही बन गया। अब हर 15 दिन के बाद प्रेजेंट होता क्यों हो रहा है? क्यों हमारे साथ, इस समुदाय के साथ पिछले 32 साल से वहीं की वहीं है। बेशक 370 हट गया, हम भी काफ़ी खुश हुए कि जो एक बिल्कुल एक नकली जो कानून था या एक ऐसा कानून बना के रखा था वो हट गया, उसमें हमारे भी खुशी थी, पूरे देश की खुशी थी। लेकिन जो कश्मीरी पंडित की जो समस्याएं हैं वो पिछले 32 साल से वहीं की वहीं हैं। उनको सुधारने का वहाँ पर कमी है, उनके हमारी रिहैबिलिटेशन का, घर वापस जाने का ये मसला भी वहीं पर वहीं टिका हुआ, कभी 32 साल से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। जानना चाहती हूँ, इससे पहले जब 370 नहीं था तो वहाँ पे कैसे हालात थे, और अब जब 370 जो कर दिया गया, हटा दिया है। देखो जी, अब 370 नहीं था तो वहाँ के कुछ अलग कानून बनाए थे, उन स्पेशल कानून जो कहीं थे नहीं, नकली कानून बनाए थे, और जो काफ़ी सारी कानून को मतलब डिबेट में लाने की जरूरत ही नहीं। 370 होने के बाद वो सारे कानून हट गए, जो पूरे देश में कानून है वो कश्मीर में भी लागू है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हुई है, सरकार ने किया है, और ये भी हम सोच भी नहीं सकते थे 300 हट जाएगा, हट गए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर हम कश्मीरी पंडितों की जो समस्या वो वहीं की वहीं है। अब रिसेंटली देख रहे हो कि हमारे एम्प्लॉय जो वहाँ पे हैं पिछले इतने सालों से वहाँ पे, इनकी अकोमोडेशन नहीं, एक ही कमरे में चार चार पाँच पाँच फैमिली रह रही है, इनके अकोमोडेशन कब हो जाए? इतने टाइम के बाद भी वो बेचारे वही सफ़र कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखना ही तो सरकार का काम बनता है, और सरकार कर सकती है इस चीज़ को। आपने बोला कि उपलब्धि है, बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है, लेकिन उस उपलब्धि के तहत तो 32 सालों से कश्मीरी पंडित तो जूझ रहा है ना वहाँ पर लगातार। मैं ये कह रहा हूँ कि कोताही बरती जा गई सरकार की वजह से, वो दोबारा वो चालू हो गए। इस चीज़ को टाइट करना है, सरकारें कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। बाकी रही हमारी बात, हमारी तो हम भी तो यही डिमांड कर रहे हैं, 32 साल से हम यही डिमांड कर रहे हैं कि कश्मीर पंडितों के विस्थापित के लिए कोई एक सिस्टम तो बने, ताकि हमें भी उम्मीद रहे ना हो जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन 32 साल से जो मामला ऐसे ही चल रहा है, ये वैसे का वैसा है। मगर सरकार तो कश्मीरी पंडित भाई लोगों के लिए इतना दर्द बयां करती है, इतने मंच से जो है मोदी जी बोलते हैं, और भी बड़े नेता लोग हैं जिनके लीडर्स बीजेपी लीडर्स हैं, वो लोग आगे सामने मंच से बोलते हैं कि कश्मीरी भाई हैं हमारे, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। क्या मतलब सिर्फ आपको इस्तेमाल किया जा रहा है कि मंचों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आपका दर्द तो वहीं के वहीं है, वो समस्या आपकी वहीं की वहीं है अभी तक 32 सालों। मंच से बोलना, उस पर बोलना वो अलग चीज़ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हम लोगों के जो दर्द है ना वो वहीं का वहीं है, अभी मेन चीज़ यही है। और हमें उम्मीद है सरकार से, और यही कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? इनके पास गट्स है, रिसोर्सेज है, सब कुछ चीज़ है, सरकार ही नहीं की है, स्टेट भी इनका है, और अब भी नहीं किया जाएगा तो फिर कब? मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि सिर्फ बोल ही देते हैं, आप लोगों का दर्द वहीं के वहीं है, वैसे कि आपको ये बोल रहा हूँ दर्द वहीं का वहीं है, 32 साल से दर्द वहीं है, इस दर्द में कोई अभी तक मरहम नहीं मिला है, उसी मरहम का हम वेट कर रहे हैं, और वो मरहम हमें उम्मीद है कि इसी सरकार से हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, इतने सालों से बैठे हैं कि ताकि जो हमारी समस्या है इसको तो एड्रेस किया जाए, नॉट ऑन दी डिबेट्स, डिबेट पे ही नहीं, डिबेट में नहीं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे 32 साल से भी कुछ नहीं हुआ, जो मैं पहले मुझे थोड़ा सा याद आया कि महरम के लिए आपकी द कश्मीर फाइल आई, एक महीना तक उसका प्रचार किया गया लगातार, जो भाजपा के जो नेता है उसको टैक्स फ्री भी किया गया, लगातार उसको दिखाया गया कि वाकई में वहाँ कश्मीरी पंडितों का दर्द क्या है, दुख क्या है, वो दिखाया गया। तो आपके महरम से मुझे एक बात समझ में आई कि महरम के लिए जो है द कश्मीर फाइल बनाई गई, तो उसमें मरहम तो आप लोगों का दिखाया गया है, फिर क्यों परेशानी हो रही है? देखिए पहले मैं आप बात बताऊंगी, जो कश्मीर फाइल जो मरहम नहीं है, वो कश्मीर फाइल जो है
वो एक हकीकत है, और वो उसमें सिर्फ आधा परसेंट तरसा गया। हम 4.5-5 लाख कश्मीरी पंडित हैं, हर 4.5-5 लाख पंडितों के साथ हर एक कहानी वैसी है। कश्मीर फाइल इज एक डॉक्टर, वो नहीं है, वो एक हकीकत है। जो लोग, जो लिबरल, जो हमारे जो सो कॉल, जो हमारे मतलब जो सिस्टम में ऐसे लोग हैं पूरे हमारे इंडिया में, जो ये कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स इसलिए बनाई गई कि दंगे करवाने के लिए, नहीं, वो उन लोगों की गलत सोच है। कश्मीर फाइल्स हकीकत एक कहानी है, कहानी नहीं है। जो मानते हैं कि उससे मतलब कश्मीर फाइल से इस तरीके के दंगे नहीं हुए, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, मंदिर मस्जिद नहीं हुआ है क्या? देखो, जो हमारी कम्युनिटी, आपने देखा कि दंगे मुस्लिम हो रहे हैं, हम दंगे करने वालों में है क्या? आज हम टीवी डिबेट देख रहे हैं, टीवी डिबेट में वहाँ के जो मुसलमान कुछ लोग आते हैं, वो आते हैं कि जी हमारे मुसलमान लोग भी मारे जा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, जिस तरीके से फिल्म में दर्शाया गया, फिल्म को दिखाया गया विवेक अग्निहोत्री द्वारा, तो बताया जब ये फिल्म आई तो उसके बाद इतने दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम हो गया, क्योंकि वहाँ पे सब लोग जो है हिंदू पंडित भड़क गए कि भाई हमारे लोगों को मारा काटा गया वहाँ पे, इस तरीके से उनके साथ हुआ। क्या वहाँ पे मुस्लिम लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? कुछ मुस्लिम लोगों के साथ भी हुआ है। जो मुस्लिम लोग उग्रवाद को अपनाना नहीं चाहते हैं वो भी मारे गए, ऐसा नहीं कि वो नहीं मारे गए, वो भी मारे गए। लेकिन हम कश्मीरी पंडितों का दोष क्या है? आपने कभी देखा कश्मीरी पंडित पत्थर उठाते हुए? आपने किसी कश्मीरी पंडित को गन उठाते हुए, या किसी कश्मीरी पंडित ने आज तक वहाँ के किसी मुसलमान भाई को मारा है, किसी मुसलमान को मारा है? तो अगर हमें दोष दे रहा है किस चीज़ का? टीवी डिबेट में यू आ रहे जी हमारे मुसलमान, अरे मुसलमान मर गया, मुसलमान ने बंदूक उठाया आज़ादी के लिए, वो डिजर्व कर रहा है मरना। लेकिन कौन सा कश्मीरी पंडित है जिसने किसी मुसलमान को मारा? किसी कश्मीरी पंडित ने कोई शस्त्र उठाया? नहीं। और अगर वो मार रहे हैं तो कौन मार रहे हैं? उनके अपने भाई मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उनको शेल्टर दे रहे हैं। अगर आज भी वहाँ की जो सोशल सोसाइटी है बाहर आ जाए समर्थन करने के लिए, उग्रवाद तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर? तो हमारा दोष क्या है? हमारा दोष यही है, हम राष्ट्रभक्त है, कश्मीर पंडित ने आज तक कोई हथियार नहीं उठाया और हमें इसी की सज़ा मिल रही है। लेकिन खबरदार, जिस और समय आने वाला है, जिस हिसाब से अगर सरकारें भी नहीं हो रही, भगवान न करे जिस दिन कश्मीरी पंडित ने हथियार उठाया, भगवान को ही पता है कि क्या हो जाएगा। आपने अभी कहा राष्ट्रभक्त है और मोदी जी हर राष्ट्रभक्त के साथ खड़े हुए, पर अब नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के साथ। मैं कह रहा हूँ दिखने की बात नहीं है, सिस्टम में थोड़ा सा ढीलापन आ गया, इस ढीलापन को कसना, बस दैट इज ऑल, बाकी कुछ नहीं है। हम मोदी जी के कौन कसेगा ये तो सरकार करेगी, सरकार का काम है। जैसे 370 में सरकार ने बिल्कुल टाइट पोजीशन करके रखी थी, वैसा ही करना, और कुछ नहीं करना, बस सिस्टम को थोड़ा सा टाइट करना, सब कुछ चीज़ को जाए। तो जिस तरीके से इनके दुख की जो दास्तान है आपने सुनी, किस तरीके से इन लोगों के साथ हो रहा है कश्मीर में, लगातार जो हिंदू पंडित हैं जो लगातार वहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं? आखिर क्यों जो मीडिया है, गोदी मीडिया लगातार जो है वो इनकी खबरें नहीं दिखा रहा है? वो दिखाता है हिंदू मुस्लिम ज्ञानव्यापी मस्जिद दिखाता है, वो प्रधान राष्ट्रपति का दौरा दिखाता है, क्यों इनके दुख की दास्तान को वो दिखा नहीं रहा है? यूक्रेन तक का युद्ध दिखाया जा रहा है, नेशनल मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, लगातार वहाँ पर जो कश्मीर में अभी हालात बने हुए हैं, वहाँ की जो सुध है ना कोई सरकारें ले रही हैं, ना कोई नेता आके ले रहा है, ना कोई नेशनल मीडिया तक ये सब चीज़ें दिखा रहा है।